मूवी देखकर आए हो आप, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस मूवी. वन वर्ड फॉर शाहरुख खान, सुपर्ब. स्टोरी लाइन एंड अदर थिंग्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. सो इट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ द डंकी व्हिच इज हैपनिंग दिस डे इन पंजाब. सो एंजॉय किया आप? यस, वी एंजॉयड इट अगेन. थैंक यू सो मच यार डंकी के लिए. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाउ वाज ग्रेट ग्रेट वाज गुड. या श्योर. सो मूवी काफ़ी ज़्यादा बिकॉज शाहरुख खान की थी सबसे पहले, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यू नो एक मैसेज दे रही थी. ठीक है, लास्ट में जो मैसेज दिया वो काफ़ी ज़्यादा लाइक आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा कि लोग ना रिग्रेट फील करते हैं कि हाँ बाहर नहीं लगा वीज़ा ये वो है ना ऑल ओवर. एंड शाहरुख खान की एक्टिंग तो हमेशा से बेस्ट रही है बिकॉज एस आर के एन सैम, तो ऑब्वियसली. सो बहुत प्यारी थी वर्ड फॉर शाहरुख खान. स्पीचलेस ही हूँ यार, शाहरुख खान के लिए भी वर्ड है आज तक. अच्छा क्या कहोगे ऑडियंस को देखने के लिए? ज़रूर देखो ऑब्वियसली, क्योंकि आज की जनरेशन को देखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड उसमें जो उसकी एक चीज़ थी कि शाहरुख खान हमेशा यू नो अपने इंडिया को ज़्यादा प्रेजेंट करता है कि हाँ हमारा कल्चर हमारा ये हमारा, सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि शाहरुख खान हमेशा दिल जीत लेता है. जीत लिया? हाँ जीत लिया. 2023 में सबका दिल शाहरुख ने जीत लिया. हाँ जीत लिया. जवान भी, हाँ जवान पठान एंड आउटस्टैंडिंग बेस्ट थी डंकी, वाज द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर के मेरे डंकी. वधिया मूवी है. डंकी लेके तो देख. हां बहुत वधिया मूवी. देख लेनी चाहिए जनता ने. बिल्कुल, जे जेड़े लोग की कहंदे ने कि इमिग्रेशन दा डंकी लान दा मतलब हैगा ते उनां नूं तां जरूर देखनी चाहीदी है कि तुहानूं पता है पंजाब दे विच काफी लोग की कहंदे ने कि डंकी लानी है बट एक्चुअल दे विच शाहरुख खान ने दिखाया है कि डंकी लान दा कोई फायदा नहीं हैगा. देखो जिहड़ा सुख इधर परिवार विच हैगा उत्थे नहीं हैगा. बाकी मैं सारों यही बोलांगा कि मूवी देखो एक बार, बहुत जरूरी हैगी है और अजकल दे यूथ वास्ते तो बहुत जरूरी है जेडे कि नेगेटिव हो जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहेगा कि डंकी लगा के तो वीजा वैसे जाए ही ना कोई भी, क्योंकि डंकी मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट एंड में वो बेचारा अकेले ही रह जाता है. पूरे अपनी जमीन को छोड़ के जाना, अपनी इंडिया को छोड़ के जाना, फैमिली से दूर जाना बहुत टफ है, और डंकी से तो पीछे ही रहो. डंकी मूवी बहुत अच्छी है. शाहरुख का काम अच्छा लगा? हाँ जी बहुत अच्छा. हाँ जी बहुत अच्छा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज़ से फ्यू वर्ड्स फॉर शाहरुख खान एंड डंकी. हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस फॉर द डंकी? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छा लगा. क्या 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 अच्छा लगा मूवी? वो जो कहानी है ना वो बड़ा अच्छा लगा. कहानी अच्छी लगी आपको? हाँ जी कहानी बहुत अच्छी थी. मुझे तो बहुत वेरी हैप्पी शाहरुख खान. वेरी हैप्पी हैं. हैप्पी हैं. आप क्या कहेंगे शाहरुख की मूवी देख रहे हैं? अच्छा लगा मेरे को तो. अच्छा बहुत अच्छा लगा यार. कुछ सीन बताओ शाहरुख. सीन ना बहुत अच्छा है उसका. मैं तो सीन देखा मैंने तो बहुत अच्छा. हाँ वो बहुत अच्छा है. हाँ जी स्टोरी बहुत अच्छी है. अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी. बढ़िया. आउट ऑफ 5 करना. आउट ऑफ 5 में से रेटिंग करना कितना रहेगा? रहेगा कितना रहेगा? सारा खत्म हो गया. हाँ जी. एक वर्ड कहना शाहरुख खान के लिए तो क्या रहेगा? जो पानी में कूद के चले गए थे ना वो बड़ा अच्छा लगा बेचारा. हाँ जो उसके बाहर गए थे वो बहुत अच्छा लगा. वो बहुत अच्छा था वो सीन. सबसे ज्यादा अच्छा शाहरुख को देखते मन में फनी भी था और सैड भी था लास्ट में. अच्छा शाहरुख खान को देख के एक वर्ड क्या आता मन में? मन में जो फील आती मतलब शाहरुख खान है जो अलग से क्या कहते हैं मुस्लिम जाती है ना वो बड़ा सेट हो के आ जाता है वापस. सारी स्टोरी बता दी तो लगता है जनता को देख लेनी चाहिए मूवी. एक बार जरूर देखना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. की हाउ इज योर एक्सपीरियंस? कैसी रही? बढ़िया थी एक्सपीरियंस. बढ़िया मतलब नहीं डॉक्यूमेंट्री थी वैसे. डॉक्यूमेंट्री कैसे? इतनी एवरेज थी कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा बढ़िया. अच्छी थी. अच्छी मूवी है देखने लायक है. कहानी बहुत अच्छी है. असली कहानी पे हाँ बहुत अच्छी. किरदार अच्छे लगे? किरदार बहुत अच्छे लगे. विकी कौशल बहुत अच्छा है. विकी कौशल ने तो दिल जीत लिया एज अ कैमियो ये लेकिन बहुत अच्छा है उसका. तापसी पन्नू का भी बहुत अच्छा. म्यूजिक थोड़ा सा कम रह गया थोड़ा सा कई जगह. आउट ऑफ 5? 4.5. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया. आपका क्या कहना डंकी के लिए? गुड गुड वेरी गुड. डंकी अच्छी लगी. किवें लगी? बहुत अच्छी. शाहरुख खान का काम कैसा? बहुत. सर क्या कहेंगे डंकी के लिए? बहुत बढ़िया. क्या कहेंगे कैसा स्टोरी लाइन किस तरह से काम? बढ़िया थी बहुत ज्यादा बढ़िया थी. थैंक यू सो मच डंकी के लिए. हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाउ इज डंकी? ऑसम. ठीक है. ठीक लगी? तुम्हें कैसी लगी? ठीक ठाक सी. कह रही है शाहरुख की मूवी है साथ में तापसी पन्नू. विकी कौशल कैसी रही? अच्छी थी. डंकी
ऑल गुड, बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाहरुख खान को देखकर आ रहे हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया डंकी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बढ़िया, बहुत मस्त। शाहरुख के लिए कुछ कहिए, कैसा रहा? वो तो बहुत मस्त, अरे लड़कियां कह रही जितना बोले शाहरुख के लिए कम ही कम है, आपको कैसी लगी? मुझे शाहरुख खान की अच्छी, बहुत लगी, अच्छी लगी, सारे सीन्स अच्छे लगे, हाँ बहुत अच्छा। कहाँ पे जाके बहुत मजा आया, कोई सीन बताओ? था एक अच्छा, कौन सा वाला बताओ? था बहुत बढ़िया, थी बहुत। हाँ जी बेटा बोलो, अच्छा लगा आपको? हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ देखी है इन्होंने डंकी, देखी है डंकी, देखी है कैसी रही? बहुत अच्छी थी। क्या खास लेके जा रहे हो डंकी? डंकी दे विच मैं लिखिया सी थोड़ा गाना सीगा बैकग्राउंड स्कोरिंग दे विच मेरा लिखिया होया सी कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, कोई हाल ते कर दो पीड़ां दा। थैंक यू, बहुत अच्छी मूवी थी, एंजॉय किया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शाहरुख सर दी परफॉर्मेंस दे विकी कौशल नाल तापसी पन्नू बहुत कैंट लगा, डायरेक्शन राजकुमार रानी डायरेक्शन बहुत कैंट सी। ये मुंडे जेडे बाहर जांदे उनां लई की कहोगे? उनां लई डंकी ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। 5 ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੂਵੀ 5 ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 5 ਵਿੱਚੋਂ 5, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ। ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡੰਕੀ ਸਰ, ਡੰਕੀ ਦੇਖਣੇ ਆਏ ਥੇ ਆਪ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਸਰ, ਕੀ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨ ਵਿੱਚ? ਖਾਸ ਜੀ ਬਸ ਡੰਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੰਕੇ ਹੋਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ अपने घर को संभालने के लिए विदेश जाते हैं, मगर बहुत सी परेशानियों का सामना करते हुए निकलते हैं। और लोग यहाँ के लोग सोचते हैं कि बड़े आराम से लोग वहाँ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता ना इस चीज़ के बारे में, मगर बस वही जानकारी मिली है, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, क्या कहेंगे शाहरुख के लिए? शाहरुख खान तो किंग है बॉलीवुड के, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो किंग क्यों है। जो मूवी बनाई है उन्होंने, उन्होंने अभी रिसेंटली भी बताया था ये उन्होंने अपने लिए बनाई है और अपने एज के अकॉर्डिंग बनाई है, और बहुत अच्छी एक्टिंग करी है इस मूवी को। आई थिंक दिस शुड बी नॉमिनेटेड टू ऑस्कर्स, फैंटास्टिक मैसेज एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टिंग बाय ऑल द अदर सपोर्टिंग कास्ट, एंड एज ऑलवेज राजकुमार हिरानी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ ब्रिलियंट मूवी इन दिस, एंड इट्स गोइंग टू टेक अ फ्यू डेज फॉर द पीपल टू रियलाइज हाउ बिग ऑफ दिस मूवी इज, दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई बिलीव दैट दिस इज शाहरुख खान्स बेस्ट मूवी इन 2023 व्हेयर ही हैड पठान एंड जवान ऑलरेडी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर नाइस। डंकी देख के आए हो आप, बताओगे कैसा है? अच्छा मूवी है। क्या खास रहा? खास इमोशनल है, कॉमेडी है, स्टार्टिंग में कॉमेडी है, फिर लास्ट मोमेंट में बहुत इमोशनल है। अच्छा मूवी, अच्छा एक्टिंग वाइज, अच्छा अच्छा। आउट ऑफ 5? हां 5, 4.5। थैंक यू डंकी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? हाउ इज इट? जरा मुझे